बहुत ज़्यादा नर्वस भी हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर सर और जैन सर का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि बड़ी अच्छी कोशिश की उन्होंने एक खूबसूरत फिल्म बनाने की, और गूफी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बड़ा प्यारा म्यूज़िक दिया मेरे लिए, मंजर सर ने बड़ा खूबसूरत गाना लिखा मेरे लिए। तो पूरा पैकेज है, पूरा मसाला है और फिल्म कल आ रही है, आप जाके देखिए और इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। तो तिश्नगी फिल्म जो वर्ड है, उर्दू वर्ड है, ये तिश्नगी क्या मतलब, क्या तिश्नगी? सर, तिश्नगी का मतलब है जुनून, एक चाहत, एक इश्क। जब आप किसी को शिद्दत से चाहते हो तो हर किसी की एक तिश्नगी है, हर किसी का एक अपना अपना जुनून है, हर किसी की अपनी प्यास है। तो आपने गाने में भी देखा होगा, लेकिन उस गाने से जैसे कि आपने सुना होगा कि मेरे होठों की तिश्नगी को तो बुझा, तो तिश्नगी का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता है कि आप किसी के होठों की प्यास बुझा रहे हो। तिश्नगी का मतलब होता है कि आप किसी की चाहत, किसी का जुनून, मतलब एक दिमाग पे जब किसी का इश्क सर पे चढ़ के बोलता है तो उसे भी तिश्नगी कहते हैं। मैं व्हाट यू टू से तिश्नगी फिल्म, तिश्नगी का पहले अर्थ मतलब भैया बताइए कि कितना ज़्यादा आपके लिए चैलेंजिंग रहा ये रोल प्ले करना, जो आप रोल प्ले कर रहे हैं। ऑलराइट, सो तिश्नगी जो फिल्म है वो चैलेंजिंग तो बहुत रही, बिकॉज मेरी तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली फिल्म है, एंड तिश्नगी का जो मीनिंग होता है वो होता है प्यास और किसी भी चीज़ को चाहने की जो ख्वाहिश होती है, जो इच्छा होती है। So this is the basic meaning of Tishnagi, and I have faced so many problems during the shoot and after the shoots also, because बहुत सारे ऐसे sequences थे जो हमारे मेरे लिए specially करना बहुत मुश्किल था, because हमने training किया है, workshop किया है, उसके बावजूद भी बहुत सारी problems face करने को मिली है, but overall बहुत practice किया और finally shoot अच्छा होकर निखर कर आया। Talking about poster, film काफ़ी sensual poster है, क्या कहना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा romantic quotient है फिल्म में, काफ़ी romantic film नज़र आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? Exactly, फिल्म का जो जॉनर है वो तो आप सभी को पता ही है कि मर्डर मिस्ट्री है, बट वो मर्डर मिस्ट्री कैसे क्रिएट हुई है उसको, उसके पीछे एक लव स्टोरी ही है एट द एंड। सो आपको वो जो लव स्टोरी है वो भी देखने को मिलेगी, और इस फिल्म में सबकी अपनी अपनी चाह है, ख्वाहिश है, तो आपको सबकी अपनी अपनी लेवल पे हर कैरेक्टर की तिश्नगी नज़र आने वाली है।